नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट अपडेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में। आप लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स और डेटशीट सर्कुलर नोटिस और आने वाले समय की गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बता दें कि जहाँ पर बड़ा नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स के लिए, हम बाकी स्टूडेंट्स की बात भी करने वाले हैं। कश्मीर डिवीज़न, जम्मू डिवीज़न, ले कारगिल से अगर हमारे चैनल पर आप रेड वाले बटन से सब्सक्राइब कर सकते हैं। बड़ा चैनल है दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। सबसे पहले इस समय की करंट अपडेट्स बता दें जेके वोस की। तो जेके वोस ने अपना 10th का रिजल्ट समर जोन जम्मू डिवीज़न का जारी कर दिया है। 12th क्लास का भी समर जोन का जारी हो गया है, 10th का भी हो गया है, प्राइवेट्स का, उन सभी के क्लियर हो गए हैं रिजल्ट्स। अभी आपको बता दें कश्मीर डिवीज़न में एग्ज़ाम चल रहे हैं, 16, 15, 17 तक आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आप लोगों का जल्द ही रिजल्ट आएगा। इस बार 30% सिलेबस में रिलैक्सेशन है, इसलिए आप लोगों को बता दें कि तमाम बच्चे इसमें पास होंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट्स का वेट करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को बता दें इस बार मार्किंग में भी थोड़ा नरमी बरती जा सकती है, क्योंकि कोविड का दौर रहा था, बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी। इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ये नोटिफिकेशन समर जोन के तमाम बच्चों के लिए है। समर जोन के रेगुलर के जो बच्चे हैं वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से सबमिट करवा सकते हैं किसी भी इंटरनेट वाले के पास जाकर। आप लोगों को बता दें कि 25/12 से लेकर 1/1/2022 तक आप लोगों के जो ये एडमिशन कम फॉर्म है, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म है, वो सबमिट करवा लीजिएगा। जो बच्चा एग्जामिनेशन फॉर्म और फीस जमा करवाएगा उसी को उसका ही रोल नंबर आएगा। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि जनवरी के महीने में आप लोगों की डेट शीट्स भी आने वाली है, 10th और 12th क्लास की और 11th क्लास की भी। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के एग्ज़ाम फरवरी के महीने में स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोगों के पास सिर्फ एक महीना बचा है। 10th और 12th की परसेंटेज काफ़ी मैटर करती है। अगर आप लोग इंडियन आर्मी की भी भर्ती देखना चाहते हो तो 10th में कम से कम 45% मार्क्स होना जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि स्टैचू नहीं होना चाहिए, इसलिए 10th में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 10th में स्टैचू लग जाती है, 10th में आप लोग 45% मार्क्स नहीं ले पाते, तो आप लोगों को इंडियन आर्मी की भर्ती में भी नहीं जाने दिया जाता है। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, 10वीं की परसेंटेज अगर आपकी ज़्यादा परसेंटेज होगी तो आप लोगों को बता दें कि परसेंटेज के आधार पर भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है। इसलिए अगर आप 90% लेंगे तो आप लोगों को आसानी से जा मिल जाएगी बिना रिटर्न के भी। इसलिए आप लोगों को मैं आज ही अलर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर काफ़ी टफ है, गवर्नमेंट पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। अभी आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोगों को बाद में लगा का पता। आपको बता दें कि 12th क्लास के कश्मीर डिवीज़न के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 11th क्लास की डेट शीट्स आज गई है। विंटर जोन एरियाज़ में जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं। और आप लोगों को बता दें कि जो 10th और 12th क्लास हैं वो क्लासेस आप लोगों की 12 के बाद बंद होंगी। फरवरी के महीने में विंटर जोन एरिया के अभी स्कूल लगेंगे। विंटर जोन एरिया में आप लोगों का डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कश्मीर डिवीज़न आती है। जम्मू के जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और जे रजौरी वाले एरिया जो है ये समर जोन में आते हैं। कोई और अपडेट्स हमारे पास पहुँचती है, ज़रूर आप लोगों से शेयर करेंगे। इस समय की ताज़ा अपडेट्स यही हैं। ऑल द बेस्ट।